किसी भी मेल पर्सन के अगर यहाँ से बाल चले जाते हैं तो हंसी में सब टाल देते हैं, घर वाले पैसा आ रहा है बहुत सारा। लेकिन अगर किसी फीमेल के बाल यहाँ से मतलब गायब होते जाएं, मतलब यहाँ पे स्कैल्प पे बाल कम होते जाएं, ग्रोथ ही ना हो, तो चिंता हो जाती है, रात को नींद हराम हो जाती है। फीमेल के बाल ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये बताइए, अभी तक जो आप बालों में ऑयल लगा रहे हो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने कई तरीके के आपको ऑयल बना के दिए हैं। पहला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं अदरक। अदरक जो हमारे बालों की समस्याओं को ठीक करता है, उन्हें रिपेयर करने में सक्षम होता है। इसका रस बालों को गिरने से कम करता है, नई ग्रोथ लाने में मदद करता है। ये अदरक का रस बहुत पावरफुल है। इसे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पर ही लगाएं, बालों की लंबाई में बिल्कुल भी नहीं। हफ्ते में 2 से 3 बार जिस दिन आपको हेड वॉश करना है उसी दिन लगाएं। लेकिन इसे लगाने से पहले आपको बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी है। तेल लगाएंगे तो जिससे आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप पैच ट्राई करके देख सकते हैं। ये अदरक का रस बहुत ही अमेजिंग है और आपके स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे गंजे सिर में भी बाल उगना शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए, ये जो मैं आपको DIY दे रही हूँ, जो रेमेडी दे रही हूँ, गजब की है और आप बना भी इसे आसानी से पाएंगे। इसे आप 3-4 महीने लगाएं, आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा। जैसे ही आपको रिजल्ट दिखेगा आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बालों की ग्रोथ को देखकर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब बालों की लंबाई में जो हमें सीरम लगाना है वो है पहला इंग्रेडिएंट मेथी दाना। मेथी दाना बालों का सूखापन, डैंड्रफ, बालों की ग्रोथ के लिए असमय सफेद होने वाली समस्या को रोकता है। साथ में जो चावल ले रही हूँ, चावल आपके बालों में चमक लाएगा, डिहाइड्रेट रखेगा आपके बालों को और बालों की वॉल्यूम को बढ़ाएगा, बालों को घना रखेगा, बालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा। पुराने जमाने में जापान के शाही घरों में चावल के पानी से बाल धोया करती थी महिलाएं, जिससे उनके बाल लंबे, काले व घने होते थे। तीसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ मैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से स्कैल्प तो मजबूत होगी ही, कड़ी पत्ते में जो प्रोटीन, विटामिन, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं, इन सबको आप 1 से 1.5 गिलास पानी में उबालें, रात भर भिगा के रखें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो फिर इसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। अब इसे कम से कम 10 मिनट तक उबालते रहें, जब तक इसका पानी गोल्डन कलर का ना हो जाए। ये गोल्डन सीरम आपके बालों के लिए गजब का रिजल्ट देगा। ठंडा करके एक स्प्रे बोतल में भर के रखें और जिस दिन आपने बालों में तेल लगाया है और अदरक स्कैल्प पर लगाया है उसी दिन लंबाई में बालों को आप ये वाला सीरम लगाएं। 1 से 1.5 घंटे बाद आप बालों को हेड वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार ये जरूर करिए। एक और बात, अब जो आपने ये सीरम बनाया है इसका जो बचा हुआ मिश्रण है, जैसे चावल है, मेथी दाना है और मीठा नीम है, कड़ी पत्ता, इन तीनों को पीस लीजिए। आप चाहें तो इसमें दही मिलाएं, आप चाहें तो एलोवेरा मिलाएं या कुछ न मिलाएं, बस इसे हफ्ते में 1 बार मास्क की तरह बालों में लगा लें जिस दिन आपको हेड वॉश करना है। बस हफ्ते में आपको 1 दिन ये मास्क लगाना है, 2 से 3 बार आपको ये पूरा ट्रीटमेंट करना है। आप बहुत सारी दवाइयों से बचेंगे, अनोखा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आप चौंक जाएंगे अपने बालों को। पूरी सर्दियों में ये करिए, 2 हफ्ते में तो आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा। पूरी सर्दियां आप करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब बारी आती है, हमारे बॉडी के अंदर भी सफाई होना बहुत जरूरी है। बालों की कई समस्याएं हमारी बॉडी के अंदर से ही होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, गड साफ ना होना, तो जिसकी वजह से हमें एक और काम करना है। हमें क्या करना है, 1 गिलास पानी के अंदर 1/2 चम्मच मेथी दाने को धोकर भिगो के रखें, इसमें कुछ करी लीव्स भिगा के रख दें, रात भर इसे रखें और सुबह इस पानी को हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं या ऐसे ही पी सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन पानी एक बार ना भी पिए तो चलेगा, लेकिन ये DIY जो मैंने दोनों तीनों चीजें आपके बालों के लिए बोली हैं वो अप्लाई आप जरूर कीजिए। और मैं अपने बालों पर इस तरीके से अप्लाई करती रहती हूँ, आपको भी DIY देती हूँ, मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ी है जो कि इस उम्र में, तो आपको तो 100% रिजल्ट मिलेगा ही। हाँ, बहुत छोटे बच्चों को इस तरीके के DIY बिल्कुल ना कीजिए। गर्मियों में एक बार थोड़ा सा गड़बड़ लगती है, लेकिन सर्दियों में तो सब कर सकते हैं। तो
सर्दियों का अच्छा मौसम है, इसे यूज़ कीजिए बहुत अच्छे से।